नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन न्यूज चैनल मिशन 24x7। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं और फिर शुरुआत करेंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों की जिनसे आपका सीधा सरोकार है। तेलहर में जमीनी विवाद में डबल मर्डर, कलयुगी बेटे ने पिता और दादी को मारी गोली, घटना के बाद से हत्यारोपी फरार, बिक्री किए गए खेत के पैसों के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में दो युवकों की हुई दर्दनाक मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घटना सायहपुर निगोही रोड की। कटरा थाना क्षेत्र में बेकाबू कंटेनर ने बाइक को मारी पीछे से टक्कर, हादसे में 6 वर्षीय मासूम की कुचलकर दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सायांपुर में मुख्यमंत्री के आदेशों का नहीं हो पा रहा पालन, सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं डग्गामार वाहन, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर फर्राटा भरते हैं डग्गामार। और सायांपुर में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के अंतर विभागीय कार्यशाला संपन्न, जिलाधिकारी ने कार्यशाला की अध्यक्षता, जिलाधिकारी बोले जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर, सभी को समय रहते जागरूक होने की जरूरत है। सायांपुर निगोही रोड पर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना निगोही थाना क्षेत्र के रेवा गांव के पास की है। यहां गिरगेजा गांव का रहने वाला अंकित अपनी पत्नी सुरभि के साथ सायहपुर से वापस लौट रहा था, उसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में अंकित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुरभि को भी चोटें आई हैं जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में दूसरे बाइक सवार की भी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि अंकित अपनी पत्नी सुरभि के साथ अस्पताल में भर्ती किसी रिश्तेदार को देखकर वापस लौट रहा था जिस समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और राजा थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गाँव के रहने वाले सौरभ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने साथियों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। हुसैनपुर के रहने वाले सौरभ के परिजनों ने बताया कि सौरभ बरेली में किसी एक दवा कंपनी में काम करता था। परसों उसने अपनी तबीयत खराब होने की बात घर वालों को फोन पर बताई थी, जिसके बाद उसके साथ के लड़के लगातार परिजनों के संपर्क में भी थे। परिजनों का कहना है कि साथ के ही लड़के उसकी तबीयत ठीक होने की बात का दिलासा देते रहे, तो वहीं कल सुबह सौरभ को मृत अवस्था में जिला अस्पताल में छोड़कर चले गए। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन कराए जाने हैं, जिसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए सार्वजनिक अवकाश के दिन भी सभी कार्यालय खुले रहेंगे और नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि शाहजहांपुर में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलाए जाने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रगति स्टेट एवरेज कम देखा गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सुधार के निर्देश दिए हैं। तेलहर थाना क्षेत्र के मरक्का गांव में कलयुगी बेटे ने अपने पिता और दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन बेचने के बाद मिली रकम के बंटवारे को लेकर की गई है। गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि मरक्का गांव के रहने वाले मोहित ने अपनी 75 साल की दादी और 50 साल के पिता को राइफल से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मोहित के पिता और दादी ने बैंक का कर्जा चुकाने के लिए 14 लाख रुपए में अपना खेत बेचा था, जिसके बाद पूरा विवाद बन पा। मोहित पैसे के बंटवारे की मांग कर रहा था, इसी बात से नाराज मोहित ने अपने पिता और दादी को मौत के घाट उतार दिया। कटरा थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बेकाबू कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 6 वर्षीय मासूम की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बदायूं जिले के उसहैत इलाके का रहने वाला फैसल अपने चाचा साकिर और मां के साथ बाइक पर सवार होकर कटरा आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में कटरा और खैरपुर के बीच कंटेनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से 6 वर्षीय मासूम की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई, जबकि चाचा और उसकी मां घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए बदायूं ले जाया गया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदनापुर में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यहाँ के रहने वाले 22 वर्षीय अब्दुल वसीम का शव अपने ही घर में फर्श पर पड़ा मिला। अब्दुल के बहनोई हासिम ने जानकारी देते हुए बताया कि वसीम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार में रहकर किसी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं एक दिन पहले ही मदनापुर लौटा था। हासिम का कहना है कि उनके परिवार के लोगों ने हरिद्वार से फोन कर घटना की जानकारी दी। वहीं जब घर पहुंचे तो अब्दुल मृत हालत में फर्श पर पड़ा मिला और साथ ही एक रस्सी भी पास में ही कटी हुई पड़ी थी। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि अब्दुल की मौत कैसे हुई अभी इस बात का पता नहीं चल सका है। आज शाहजहांपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य की अंतर विभागीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बेहतर अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए व्यापक जन जागरूकता प्रसारित की जाए, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जागरूक हो सके। जिलाधिकारी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ वर्षा के पैटर्न में बदलाव, जलवायु प्रदूषण, जैव विविधता और इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अधिक तीव्रता की हीट वेव का अधिक समय तक बने रहना, शीत लहर की अधिक तीव्रता का होना, अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि तथा बेमौसम बारिश होने जैसी कई समस्याएँ आएंगी। साथ ही ये भी बताया गया कि जलवायु परिवर्तन मानव और कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत घातक है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण और जल संरक्षण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। सिंधौली क्षेत्र के भटपुरा रसूलपुर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में आज ईद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद के त्यौहार के मौके पर बच्चों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, कार्ड प्रतियोगिता और सिंगिंग डांस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। तेलहर थाना क्षेत्र के धनेवरा गांव के रहने वाले रामोतार की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल दोपहर रामोतार अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। उसी दौरान उनकी पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंची तो रामोतार ने खाना खाने के बाद पत्नी को वापस घर भेज दिया और कुछ ही देर में घर आने की बात कही। वहीं जब देर शाम तक रामोतार घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने गांव में काफ़ी देर तक तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं बाद में सोशल मीडिया पर ट्रेन से कटी लाश का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद उसकी पहचान रामोतार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रामोतार पिछले काफ़ी दिनों से दिमागी तौर से परेशान रह रहा था। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेलहर थाना क्षेत्र के मरक्का गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद एसपी एस आनंद और एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी ने निर्देश दिए हैं कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शीतल और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, साथ ही गर्मी से बचाव के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था भी कराई जाए। साथ ही विद्यालयों में हीट वेव से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, तो वहीं आम जनमानस को भी हीट वेव से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
सायहापुर में दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज सायहापुर में नगर निगम के मेयर पद के लिए एक नामांकन दाखिल हुआ, तो वहीं अल्लागंज में एक, बंडा में सात, निगोही में चार और कलान में तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद भी सायहापुर में डग्गामार वाहन धड़ल्ले से फर्राटे भर रहे हैं। तस्वीरें सायहापुर से बुआएं की ओर जाने वाली सड़क की हैं। यहां पर डग्गामार वाहन क्षमता से अधिक सवारियां भरकर फर्राटे भरते हैं, तो वहीं प्रशासन अभियान चलाकर डग्गामार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीर सिर्फ जिले की एक जगह की नहीं है, जिले के अन्य सड़कों पर भी ऐसे ही डग्गामार वाहन क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। परमवीर चक्र नायक यदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में वाहन पार्किंग का अब शुल्क वसूला जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी SP बमनिया ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि स्टेडियम की वाहन पार्किंग में साइकिल खड़ी करने के लिए ₹5, स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए 10 और कार के लिए ₹20 प्रतिदिन के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। तो वहीं साइकिल के प्रति महीने के हिसाब से एक मुफ्त ₹100, स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए ₹200 और कार और जीप के लिए ₹400 प्रति महीने की दर से किराया वसूला जाएगा। दरअसल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई बार खिलाड़ियों की साइकिल और मोटरसाइकिल गायब होने की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद अब पार्किंग की व्यवस्था करा दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आज एक बैठक जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ संपन्न हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों और उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों से आने वाले सभी समनों का 100% तामील होना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। आपको बता दें कि 13 मई 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए सुलह और समन योग्य अधिक से अधिक वादों का निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।